दोनों के लिए दोनों साथ ही आए ज्यादा है कर्नाटक से हूँ जी। मैं पहले 12 साल से शॉप में से काम कर रहा था और मैं यूट्यूब में वगैरह देख के काम कर लेता था, मगर फॉल्ट फाइंडिंग और आईसी निकालने में इसमें बहुत दिक्कत होती थी। मैं 2 साल से सोच रहा था जाने के लिए। मैंने और मेरे दोस्त ने दोनों मिलके आने के लिए सोचा, फिर हमने ये शॉप देखे थे यूट्यूब में, उधर का हमने बुक किया था, फिर हमने उधर पैसा भी भर दिया था दोनों ने। फिर उसके बाद में हमको बहुत लंबा सफ़र लगने लगा, फिर हम मेरे दोस्त ने उनके घर वालों ने बोला बहुत लंबा सफ़र है जाने के लिए, तकलीफ होगी, और हमारे घर में हमारी मम्मी ने भी मना किया मेरे को, इतना दूर है तो तू इधर ही काम कर ले, हमको नहीं काम किया तो चलेगा, घर में है इतना दूर जाना नहीं। तो फिर मैंने सर का मेरा सिटी के अंदर बहुत सारे दुकान से सर का पहचान है, सर को 12 साल से काम करता हूँ, उधर नदी बोल के एक लड़का है सर, मेरे को पता था सर के पास उसने गया था, सर ने उनको सिखाया था, एक बार बात भी किया था उससे। तो फिर उसको मैंने पूछा तो उसने मेरे को सर का पता और नंबर दे दिया। फिर मैंने सर को फ़ोन किया, सर को फ़ोन करके उसके साथ में बात भी किया, उसने बताया, तो फिर मेरे दोस्त और मैं मिलते हैं सर को फ़ोन किया ना। तो आपका पैसा वसूल हुआ, ऐसे तो नहीं कि आपने कहीं और इंस्टीट्यूट में जो सोच के आपने वहाँ पे एडमिशन करा था आगे आप यहाँ पर, ऐसे तो नहीं कि आपको उस इंस्टीट्यूट से कम मिला हो? नहीं सर, यहाँ तो हमने बहुत सारा सीख लिया सर, हमारे को अभी ऐसा कॉन्फिडेंस हो गया है मार्केट में हम कौन सा भी काम आने तो हम कर लेंगे, थोड़ा बहुत हमको मेहनत करना पड़ेगा जाके, फिर हम अपने लाइन पे खड़े हो जाएंगे। बहुत अच्छी बात है। सब्बीर हुसैन, सब्बीर के लिए क्लैप्स। मोहम्मद फैयाज, तो फैयाज जी अपने बारे में बताइए कुछ। मेरा नाम मोहम्मद फैयाज है जी, मैं लोकल से हूँ, यही हैदराबाद से। हैदराबाद से? ओके। मैं पहले से 10-12 साल से काम करता हूँ, और ज़्यादा मेरे को परफेक्टिंग का मसला था। ओके। तो बड़े जो ऐसे हैं सभी टाइप के दोस्त का मसला था, बड़े ऐसे हैं मैं कर सकता हूँ, छोटे ऐसे हैं बड़े सकते हैं मसला था, वहाँ डायग्राम का थोड़ा मसला था और सॉफ्टवेयर का थोड़ा मसला था। पर अलहमदिल्ला मैं वीडियो देखता हूँ, थोड़ा ऐसे अच्छे स्ट्रोक सर्च करता हूँ, तो मैं मालूम होता था, तो फिर सर को तो पहचानता था मैं वहाँ पर एशिया टेलीकॉम में देखा। ओके। तो फिर सर को देख के फिर उनको ये करा, तो हम हैदराबाद में बोल के मालूम हुआ, तो जब इरादा करा था देखेंगे फिर उस सर के पास लोग थे। फिर उसके बाद में फिर आपके चैनल पे भी देखा और थोड़े ऐसे वीडियोस देखा, तो फिर यकीन आया यहाँ पे आएंगे होके। तो माशाल्लाह मैं जब आया सर से मिला, बात करा, फिर ये करके दो महीने पहले कुछ या 3 महीने पहले मैं आके बुक करके गया, फिर अभी मेरा ये टाइम पे आया। तो मैं ज़्यादा उसमें ज़्यादा हमारे फिर उस सर बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाते उनका समझाने का, और इंसान मैं समझा तो भी उन्होंने कुछ मिसालें देके वो ये देख के समझाते कि जैसे दिमाग में बैठाने के लिए बोलते और अच्छे तरीके से ये करते। और मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप मार्केट में कोई भी नई चीज़ आई या कुछ भी फेक हो कुछ भी बना, तो आप जैसे रिलीफ का जैसे बतलाते आपको वो ये, पर हम आपको जहाँ पर भी कुछ भी लेना है तो फलाना दुकान फलाना ये फलाना छूट लेना बोलते, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे दिल वाले सागर सर बहुत बड़ा दिल है इनका माशाल्लाह। तो मेरा दोस्त मेरे बाजू बैठा था, तो हम लोग काम कर रहे थे, ऐसा कुछ उन्हें गलती की ये कर दिया, सीपीयू खराब कर दिया होकर, तो सर क्या बोल रहे हैं, अरे बेटा होता रे भाई तू लाइट में आगे चल, गुस्सा हो गया कुछ भी ना होता, होते रहता चल तू कर वो कैसा होता है। उनका बहुत ये है मतलब अच्छा ये करते हो, उनका नेचर और उनका अंदाज
एक पहाड़ के सर के इंस्टीट्यूट के मतलब हम लोगों के साथ पीछे ठहरते हो, चल बेटा कर चलो कैसा हाथ कर। फिर हमारे सगीर सर तो माशाल्लाह हम लोग यहाँ से तो हमारे को यहाँ तो फुल सपोर्ट करते सर, अगर कोई नहीं भी रहे तो हमेशा तो 12 घंटे में यहाँ पे रहते, सुबह 10 बजे से लेकर शाम तक रहते, थ्यूरी होने के बाद प्रैक्टिकल में तो हम सगीर सर रहते हैं। और रात में हम लोग परेशान हो जाते हैं, कभी कुछ समझ में नहीं आता तो हम एक ज्यादा नहीं बुलाए, हम सगीर सर को सिर्फ एक या दो बार जाके बुलाए थे सर आओ ना बोल के, तो बाकी दिन तो सर अपने आप खुद ही से आ जाते थे कि बच्चे परेशान हैं या कुछ समझ नहीं आता होंगे के आ जाते थे। और कल रात में भी आप सर 12 बजे या 11:30 बजे आए, टॉपिक सर भी है उनके साथ में, 2 या 1.5 बजे तक हम लोग को समझा के करके मोटिवेट करके और कैसा करना क्या करना, सो हमेशा हर दिन का इनका ये रहता, तो कभी भी ये नहीं करते सर के अल्हम्दुलिल्लाह के हमेशा समझाते। और हमारे टॉपिक सर को माशाल्लाह, हम तो सॉफ्टवेयर का कुछ भी नॉलेज नहीं था, तो फ्रेशर पूरा टोटली फ्रेशर है सॉफ्टवेयर में, ऐसे थोड़े बहुत छोटे मोटे काम कर लेते थे सॉफ्टवेयर का, सर का नेचर और समझाने का, और फुल्ली डीपली समझाते सर, एक बार नहीं 10 बार कुछ समझाते और मेरे से भी लाइक करे सारा। और हर इसमें इजी अटैक बोल के और जो यो फाई बॉस, हर जितने भी सॉफ्टवेयर टूल्स है हर एक का अलग अलग समझाते, हर एक के बारे में मतलब हर एक में प्रैक्टिकल करके बताते, MC प्रोग्रामिंग हर चीज़ 90% कंज्यूम जो भी है हर चीज़ और सब कुछ करवाते हैं सर। और सर हमेशा हम आपको मोटिवेट भी करते और सपोर्ट भी देते, और शेर सर भी सपोर्ट देते बोलते बोलते, और अनुज सागर सर और सभी सर तो हमेशा देते ही रहते, और हमारे टॉपिक सर भी माशाल्लाह बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी बात है। आपको इतना कॉन्फिडेंस मिला यहाँ के कॉन्फिडेंस के बाद, जो काम आप नहीं कर पा रहे थे वो जो रिटर्न दे रहे थे आप वो भी आप अपना काम कर सकते हैं इंशाल्लाह, मैं थोड़ी दिन मेहनत करूँगा तो जरूर ऐसा कुछ करूँगा। बाकी आपके लिए तो ये बेनिफिट है कि आप बिल्कुल यहीं से लोकल से, अगर कोई नया फोल्ड आता है कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आपको बैकअप पूरी मिलने वाली है। बैकअप क्या होती है मैं आपको बताता हूँ, अगर आपकी शॉप पे कोई हैंडसेट वगैरह आता है उसके अंदर सपोज कोई प्रॉब्लम है, सपोज उसका CPU रिपोर्ट करना है, तो अगर आप सागर सर ने आपको अगर ट्रेनिंग दी है तो अगर आप सागर सर को बोलेंगे कि सर ये मेरा सेट बना दो तो देखो वो पॉसिबल नहीं होता, सागर सर आपको गाइड कर सकते हैं कि ये सेट आपका ऐसे बन सकता है, सागर सर आपको एक राह दिखाएंगे चलना आप ही ने, अगर एक सेट अगर सागर सर ने बना भी दिया अगर आपको बैकअप के नाम पे वो बनाकर दे भी दिया तो उससे आपका मसला हल नहीं होने वाला, मेहनत आपको ही करनी पड़ेगी, जरूरत नहीं पड़ेगी सर, सार खाली बोलेंगे तो भी उतना भी जरूरत नहीं पड़ेगी, अल्लाह मतलब कोई ना बेहतरीन तरीके से हम लोग को सिखाए, हम लोग खुद कर ले सकते हैं, अगर कहीं मतलब अटक गए या फंस गए या समझ में नहीं आ रहा तो हम कॉन्टेक्ट कर सकते हैं आराम से, और रिप्ले भी आ जाएंगे इंशाल्लाह, सर लोगों ने बोला है पहले से ही हम लोग सपोर्ट करेंगे आपको, हमेशा बोलते हैं और करते भी हैं इंशाल्लाह, हम आपको भी करेंगे, बहुत अच्छा है, कांग्रेचुलेशंस। मिस्टर फैयाज अहमद, फैयाज के लिए फयाज जो है सर 2 महीने से कोशिश कर रहे हैं और दुबई से वो यहाँ तक आ गए। अच्छा, दुबई से ट्रेनिंग लेने के लिए ऑलरेडी बुक करे, पिछले महीने में थोड़ा डिले हो गया किराए। अभी फयाज बताए आपका 20 दिन का एक्सपीरियंस कैसा रहा, जो सोच के थे मिला कि नहीं मिला? मेरा नाम फयाज अहमद है, मैं एकदम से फ्रेशर हूँ, नहीं तो मैं कभी मोबाइल ओपन ही नहीं किया था, ये दो कैपेसिटर के बारे में या रेसिस्टर के बारे में या कोई कोई तो दो रेसिस्टर और कोई तो दोनों ब्लैक होते हैं, उसमें कौन सा कोयल है कौन सा रेसिस्टर है इसमें बहुत कन्फ्यूज रहता था, हालांकि मान लो 0 नॉलेज पे था फिर भी मालूम नहीं था। इधर से 27 नवंबर में मेरा दोस्त जवाद बोल के काम करके आया था, उसके पास एक 4 दिन बैठ के मैं इधर आया हूँ, उसका काम देख के जो उसने काम कर रहा था पूरे मार्केट में जो सेट नहीं बन रहे थे वो जाके रिपेयर करता था, उस हिसाब से देख के मैं इधर आया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तो एकदम फ्रेशर हूँ, कुछ अगर काम नहीं हुआ तो हमारे जो सगीर सर हैं और ये हमारे सागर सर हैं उन्होंने रास्ता बता दिया किधर भी अटक गए तो इस रास्ते पे चलो, उस रास्ते से कहीं भी अटक गए तो हम तो फ्रेशर में 20 दिन में इसलिए हमको रास्ता बता दिया इस पोजीशन पे रास्ते पर चल रहा है। और सबसे बड़ी बात हमारी हैंड स्किल बहुत अच्छे से की है, अगर हैंड स्किल अच्छी होगी तो आगे चलना भी फॉल्ट फाइंडिंग के बाद आगे चलना भी आसान हो जाएगा, कोई भी ऐसी निकाल के लगा सकती कोई भी। और सबसे बड़ी बात जो हमारी ब्लैक पेस्टर्ड और व्हाइट पेस्टर्ड है जो अल्हम्दुलिल्लाह हम अच्छे से बना लेते हैं, इसके बारे में ना हमको मालूम कोई ऐसी क्या काम करते हैं किधर करती है, पेस्टर्ड ऐसी क्या है ब्लैक पेस्टर्ड क्या है इसके बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं था,
अलहमदिल्ला जो सिलेक्टर यानी सागर सर ने हमको इसके बारे में पूरा नॉलेज बता दिया अलहमदिल्ला, पूरा कर सकते हैं हम आगे जाकर। आपके दोस्त जो पहले आकर करके गए वही आपको रेफर करें यहाँ जाने के लिए और आप उनका काम भी देखे? जी, उनका काम भी देख के मैं इधर आया हूँ। वो मेरे को एक से दो बार बोल दिया, मैं इधर पूरा सेटिस्फाइड हूँ, इसलिए मैं तेरे को बोल रहा हूँ उधर जाके काम सीख ले, बन जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे को मिल गया। अगर उसमें कुछ अटक गया तो अल्हम्दुलिल्लाह सबसे बड़ी बात यह है कि हमको रास्ता बता दिया, हाँ इस रास्ते से चलना है, इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह। फिर से जो फ्रेशर आ रहा है एकदम फ्रेशर, उन लोगों के लिए ये है, अगर उन लोग फिर से कुछ सीखना है, फिर से कुछ स्ट्रकअप है, तो फोन कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। 3 महीने के बाद जो है जो कोर्स करके गया उसके बाद 3 मंथ्स के बाद 10 डेज की जो बैकअप क्लास रहती है UMC क्लास, जो हैंड स्किल के अंदर फंस गया है या कुछ UMC के अंदर प्रॉब्लम आ रहा है उसको या कुछ सेक्शन समझ में नहीं आ रहा, उस 10 डेज भी हम अवेलेबल रहते हैं इधर, आ सकते हैं फोन करके, पहले बता देना 1 महीने पहले, ऐसा नहीं कि मैं नेक्स्ट आ रहा हूँ सर, नहीं ये नहीं चलेगा, बता देना पहले सर मैं ऐसा आना चाह रहा हूँ, तो आप पहले कांटेक्ट करो मुझे और आ सकते हैं, चांस देते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं बोलते नहीं आना इधर और एक बार, ऐसा कुछ नहीं रहता है, ताकि फ्रेशर जो होता है उसको एक बार में समझ में नहीं आता, थोड़ा बहुत जो जाके स्ट्रगल तो होते हैं उन लोग, बिल्कुल मिनिमम तो थोड़ा बहुत स्ट्रगल तो होना ही है, जब और एक बार आके थोड़ा बहुत सुन लेते हैं तो उसके बाद उनका माइंड का पूरा क्लियर हो जाता है। पहली बार में क्या होता है समझ में नहीं आता, पहली बार में भी पूरा मिलता उन लोगों को, मगर उन लोगों को उतना चीज लेना नहीं होता, अभी नेक्स्ट टाइम जब आते हैं तो उनको फ्री हो जाता है, इजी हो जाता है। आप फ्रेशर ही है, आपके जैसे बहुत बच्चे देख रहे होंगे वीडियो कि हम भी जाके सीख सकते हैं कि नहीं सीख सकते, तो उनको क्या बोलना चाहेंगे जो पहली बार ये फील्ड में आना चाह रहे हैं? जी मैं तो एकदम फ्रेशर हूँ, ना कभी मोबाइल ओपन किया है, ना कभी फोन को कभी टच किया है, एकदम मैं कहना चाहता हूँ या फ्रेशर हो या कोई 10-12 साल से काम कर रहे हैं उनके लिए तो और भी आसान हो जाएगा, 10-12 साल के बाद में बहुत भी सीखने को मिलेगा, और फ्रेशर को भी मैं आराम से आ जाओ, कोई टेंशन नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से समझाते हैं। हालांकि यहाँ इधर इस हद तक मान लो कि हमसे ज़्यादा सर को फिक्र रहते हैं, इधर दूर दूर से आ जाते हैं बच्चे, कुछ तो कुछ सीख के जाना है हमसे, जब हम खाली बैठते तो सर समझाते हैं काम कर लो, हैंड स्किल बना लो, एक से 4 बार समझाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, इस बात बहुत अच्छा लगा हमको इधर आके। इसलिए एक चीज बताइए, आपके जो दोस्त हैं वो यही इंडिया में काम कर रहे हैं बाहर? नहीं, वो भी ओमान में काम कर रहे हैं। ओके, और आप भी ओमान में थे? हाँ, मैं पहले ओमान। तो आपने उनकी शॉप पे 4 दिन बैठकर देखा? नहीं, मैं वो इंडिया ही में थे। ओके, उसके भाई की शॉप थी, उधर काम कर रहे थे, वो सेटअप लगा के कुछ काम कर रहे थे। ठीक है, जो शॉप थी हमारे जो मोहल्ले में या शहर में 3-4 जो शॉप थी जो सेट पड़े हुए थे 3 या 4 महीने से या 6 महीने से, उन स्पेशली वो जाके इंक्वायरी करता था। हालांकि मेरे सामने 2-3 सेट भी बना के दे दिए, शायद फिर उस सर को भी फोटो डाला था, हैंगिंग लोगों पे वो अटक गया था, फिर उस सर को भी बता दिया था, वो नॉलेज देख के उनका उनका एक्सपीरियंस देख के अल्हम्दुलिल्लाह मैं देख। तो उन्होंने आपको बता दिया कि मैं फोन पे सैचुरिटी चाहे? जी जी, उनको पहले हम दोनों ही साथ में ही थे, कुछ प्रॉब्लम की वजह से वो पहले चले गया। नहीं तो कई बार ऐसे होता है ना, एक मतलब एक टेक्नीशियन दूसरे टेक्नीशियन को आगे बढ़ने देना ही नहीं चाहता, वो ये कभी नहीं बताएगा कि मैं कौन से इंस्टीट्यूट से मैं गया था और कौन से इंस्टीट्यूट से मैं अपडेट होकर आया हूँ, ये होता है। मगर मैं तो आपके दोस्त की भी शुक्रिया करना चाहता हूँ कि उन्होंने आपको सपोर्ट किया, कि उन्होंने बताया कि फोन फिक्स चले जाओ, वहाँ पर जो नॉलेज उनको मिली है उन्होंने कुछ सोचकर ही आपको भेजा होगा, एक कॉन्फिडेंस वाली बात होती है। तो ये अब आपका कॉन्फिडेंस जो है वो आपने बताया कि आपका कॉन्फिडेंस किस लेवल का है, तो इसके लिए अब आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और थोड़ी सी प्रैक्टिस करने के बाद तो आपके पास से भी कोई हैंडसेट वापस नहीं जाएगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है। मिस्टर उपलेंदु, इनके लिए जोरदार क्लैप लो सब लोग। सबके लिए एक मोटिवेशनल है, जितने बच्चे काम नहीं कर रहे या बैठ के सोच रहे कि हम जाए कि नहीं जाए,
उनके घर से निकलने सोचते हैं लोग कि सर हमारा दिल्ली में इंस्टीट्यूट नहीं है क्या, पंजाब में नहीं है क्या, गुजरात में नहीं है क्या, ऐसा पूछते हैं। और ये भाई साहब हमारे इनके लिए हजार बार क्लैप्स करेंगे तो भी कम है। आसाम से इतनी दूर आ गए, इनका एक हाथ प्रॉपर काम नहीं करता, लेकिन इन्होंने ये चीज को भी अपना एक सपोर्ट बनाया, इस चीज से पीछे नहीं रहे और काम कर रहे हैं और सबके बराबर काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि मैं दो तीन घंटे रेस्ट कर लेता हूँ, ऐसा नहीं। तो ऐसे लोगों को देख के हम सबको सीखना चाहिए, अपनी जिंदगी में लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। और इनका हाथ ऐसा रहने के बावजूद भी सारा का सारा काम कर रहे हैं, आईसी खोल रहे हैं, क्लीनिंग कर रहे हैं, आईसी लगा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप, उत्पल साहु आप बताओ, इतनी दूर आ गए, दूसरे बच्चे आपके से देख रहे हैं। सबसे पहले मेरा नाम उत्पल शाह है, मैं आसाम से आया हूँ। तो मैं बहुत दिन से मतलब 6-7 साल होगा काम कर रहा हूँ नए के साथ। तो मेरा शौक है मोबाइल रिपेयर, टीवी इन्वर्टर और डीजे साउंड सिस्टम का भी काम है, और बाकी इलेक्ट्रिक सामान भी, सेल इन्वर्टर सोलर सारे इलेक्ट्रिक के आइटम है। लेकिन उसके साथ टीवी इन्वर्टर मेरा भैया है, उनके साथ ही मैं 6-7 साल से कर रहा हूँ। और भैया के साथ करके करके सॉफ्टवेयर काफ़ी कर देता हूँ, जैसे 60% तो हो जाते हैं। और हार्डवेयर, चार्जिंग कनेक्टर, बैटरी कनेक्टर, बाकी डे थोड़ा हो जाते हैं करके करके। तो यार पहले से सोच रहा हूँ कि काम तो करना ही पड़ेगा, तो अच्छे से करने के लिए तो प्रॉपर ट्रेनिंग अगर मिल जाए तो अच्छा होगा। तो इसलिए सोचा कि कहीं सीख गया। तो उसके बाद सुमित सर के वीडियो तो मैं पहले से ही देख के आया हूँ, तो कॉन्टेक्ट करा मैं सर ऐसा सीखना चाहती हूँ, तो कहा जाए। तो मैं 2-3 इंस्टीट्यूट का नाम बोला कि ऐसा ऐसा है तो जाना चाहती हूँ। सुमित सर ने बोला कि एंड्रॉइड या आईफोन सीखना चाहते, तो मैं बोला तो पहले तो एंड्रॉइड के सीखना चाहती हूँ। तो सर ने बोला कि फोन फिक्स हैदराबाद, वहाँ अच्छा है, वहाँ जाओ तो वहाँ अच्छा होगा। तो सर बहुत सारे वीडियो देख के तो कॉन्टेक्ट करके यहाँ आया हूँ। तो सुमित सर को ही धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि सुमित सर का गाइड लेके मैं यहाँ आया। तो अभी यहाँ आके बहुत सीखने को मिला, इतना सुंदर से आप लोगों का बात, सर सभी सर पूरा सपोर्ट करा, सागर सर, टुबे की सर, सेकेट सर, फिरत सर, बहुत दिल से बात करा तो बहुत समझाया कि आगे बढ़ने के लिए किस तरह जाना पड़ेगा और मेहनत करना पड़ेगा। जैसे रास्ता दिखाया उसी रास्ते पे चलने के लिए थोड़ा मेहनत से अगर दिल से पड़ेगी तो आगे जरूर बढ़ेगी। तो यही बात लेके मैं बहुत खुश हूँ, तो बहुत अच्छा लगा यहाँ आके, बहुत कुछ टेक्निक सीखने को मिला, तो बहुत अच्छा लगा। तो एक चीज़ बताइए मुझे, जैसे मैं आपको बोला था कि आप एक चीज कर लीजिए, एंड्रॉइड या आईफोन, अगर आप दोनों करते हैं तो पॉसिबल था ये? नहीं, दोनों एक साथ पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल नहीं है ना, देखो ये मैं आपको बता रहा हूँ एक्चुअली इनसे पूछ के, क्योंकि इनको मैंने गाइड किया था कि आप या तो एंड्रॉइड चुन लीजिए या फिर आईफोन कर लीजिए। तो इन्होंने एंड्रॉइड के लिए बोला कि मेरी तरफ एंड्रॉइड ज्यादा आता है, तो इन्होंने प्रॉपर एंड्रॉइड करा। अगर आप दोनों के चक्कर में हैं तो देखो मैं उसके अंदर अभी भी बोलूंगा कि आप अपनी मर्जी से कहीं भी जा सकते हैं। आपके मन में अगर एक है तो एक ही पॉसिबल है, क्योंकि एक कोर्स करना बहुत मुश्किल होता है, दो करने तो यार नामुमकिन होता है। सही मैं आपको बात बता रहा हूँ, दो कोर्स नहीं पॉसिबल होते। सर ने एक किया, एक प्रॉपर इन्होंने कर लिया, अब इसी टाइम के अंदर दो कोर्स कैसे पॉसिबल होते हैं, जिसमें कि मतलब सर रात को जा जाकर भी इनको बता रहे हैं, गाइड कर रहे हैं कि किस तरह से कोई फॉल्ट किस तरह से समझा रहे हैं। वो भी ये नहीं कि यहाँ से जाने के बाद आराम से स्टूडेंट मौज मस्ती से सो रहे हैं, वो हॉस्टल पे जाने के बाद भी उनको अपडेट मिल रही है। तो उस चीज को देखते हुए एक कोर्स के अंदर इतना टाइम लगता, तो भाई दो कोर्स करना नामुमकिन होता है। बाकी आप क्या कहना चाहते हैं, अगर कोई आसाम से कोई भाई इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनके लिए कहना चाहते हैं? उनके लिए तो यही बोलूंगा कि दूसरा इंस्टीट्यूट के बारे में मत सोचो, अगर पहले से काम कर रहे हो तो अच्छे से काम करना चाहते हो तो फोन फिक्स हैदराबाद से ही आके प्रॉपर ट्रेनिंग लेके बैठ के छोड़ो और आगे बढ़ने का मंजिल मिलेगा। बहुत मेहनत है, एक बोर्ड पकड़ लिया, 16 जंपर मार के रखा है, एक बोर्ड के अंदर, एक J26 का बोर्ड के अंदर। बंदे जो निकालते हैं पैस के, चलो बोर्ड ये बोर्ड छोड़ दो, दूसरा बोर्ड में मैं प्रैक्टिस कर लेता, ताकि उस बोर्ड को एक दिन नेक्स्ट डे भी इवनिंग तक पकड़ा, फाइनली सारा जंपर मार के फोन को
लगा दिया, सीपीयू फिक्स कर लिया, ताकि जो है जो हिम्मत आ रही थी चल ये बोर्ड गया अभी ये नहीं बना सकता हूँ जी, ताकि जो हैंड ऐसा रहने की भी ऐसा है हैंड तो मेरे कंफर्टेबल नहीं है, सारा लोग सोचते हैं मेरे मेरे ये कंफर्टेबल नहीं मिला, मेरा सारा प्रॉपर टूल नहीं मिला, मेरे वो नहीं मिला, शिकायत उसको इतना रहने के बाद भी इतना मेहनत करके उसको पूरा कंप्लीट करा था, इसके अंदर जो है हार्डवर्क ऐसा करने वाले जिंदगी में कभी भी आगे जाते ही रहते हैं। गुरु को आशीर्वाद लेना चाहते हूँ ताकि आगे बढ़ सकते मोहम्मद सलाउद्दीन लैब सलाउद्दीन के लिए होगा। सलाउद्दीन जी अपने बारे में कुछ बताइए। जी सर ओके आप फ्रेशर है, सिंगल नहीं बन पाता, ब्लैक पेस्टेड आपने डबल डेकर बना दिया, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। जो इस बंदे जो भाई इस वीडियो को इस टाइम पे देख रहे हैं वो बिल्कुल भी यकीन नहीं कर रहे होंगे भाई, मतलब ये तो कंफर्म है। मार्केट के अंदर 10-10 साल के जो बैठे हुए हैं उन लोग परेशान हैं, उन लोग पूछते हैं ऐसा कैसा करूं कैसा करूं। हां ये सब लोग है भाई, ये कोई फेक बात तो नहीं बोल रहे, झूठ नहीं बनाए। जो है इसके अंदर एक ही बंदा नहीं है, यहाँ है पीछे और भी बंदे, उन लोग भी अपना फोन बना के रख लिए, ताकि जो है प्रैक्टिकल जो है स्टेप बाय स्टेप जब होता है तो इतना इजी रिजल्ट निकलता है। आप लोगों में से अपना अपना फोन कौन कौन बना लिए भाई, थोड़ा हाथ उठा के बताओ, एक से ज्यादा फोन बना लिए, सभी ने बनाया लगभग, कुछ ना कुछ फॉल्ट था, दूसरों का फॉल्ट भी देखे होंगे, समझ में आया ना, बाजू वाले का भी सेट बनाए। हाँ सर, अब जाके काम करेंगे तो और उसमें समझ में आएगा। आप लोग क्या बोलना चाहेंगे, आप कुछ आना चाह रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि मन में एक डाउट रहता है यार मैं जाऊंगा यार पैसा खराब तो नहीं होता। नहीं नहीं पैसा खराब नहीं होगा, लेकिन पैसा आएगा, यहाँ पर आएंगे तो पैसा आएगा, पैसा वसूल होगा, पैसा वसूल होगा, सही बात। चलिए बहुत अच्छी बात है, आपसे मिलके भी अच्छा लगा, क्योंकि आपने फ्रेशर होने के बाद बोल्ड टेकर बनाया तो यकीन करना जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा होगा। बाकी चलिए कोई बात नहीं, ये तो हो गया आईसी की बात, अगर आईसी तो लगाना निकालना बोल रहे हो, कहीं अगर सर्किट की बात करें आपको कोई लाइन ट्रेसिंग करना है या कॉम्पोनेंट है वोल्टेज मेजरमेंट उसके बारे में क्या बोलना सर? सर ने सब अच्छी तरीके से बताया, सर्किट मेजरमेंट के बारे में, डायग्राम के बारे में, हर चीज के बारे में अच्छी तरीके से बताया, वो इजीली कर लो, डायग्राम वगैरह रीड कर लेंगे अभी, के दोनों चीज जरूरी है, आईसी लगाना निकालना वो भी जरूरी है, सर्किट भी है, दोनों चीज मिली या कि नहीं मिली? खाली आईसी लगाना तो नहीं सीखा के बैठे आप, हर चीज मिली हाँ, एक फोटो ले लेंगे ग्रुप फोटो आप लोगों की, थोड़ा चेयर पीछे डालो।